दोस्तों स्पोर्ट्स एलिमेंट्स आपने काफी सारी गाड़ियों में देखे होंगे, बट टाटा आपके लिए एक स्पेसिफिक एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ी लेके आ चुका है, जिसकी स्टाइलिंग से लेके सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिजाइन करी है। यूथ के लिए स्पेशली ये गाड़ी कंपनी ने डिजाइन करी है। सो जितने भी ब्रांड्स ऑटोमोबाइल मेकर हैं इंडिया में, उन्होंने आज तक सिर्फ स्पोर्ट्स एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करे हैं गाड़ियों में, बट एक स्पेसिफिक गाड़ी जो यूथ के हिसाब से यूथ की डिमांड को दिमाग में रखते हुए कोई भी गाड़ी किसी भी कंपनी ने आज तक डिजाइन नहीं करी है, स्पेशली इन इंडिया। टाटा ने कर्व के साथ एक नया बेंचमार्क 200 सेट कर दिया है, और अंडर 20 लाख कोई भी गाड़ी नहीं है हमारे पास जो कि कूपे लाइन की हो। दोस्तों आपने प्रीमियम सेगमेंट में मर्सिडीज एएमजी देखी होगी, जिसकी रेयर रूफ लाइन को देख के आपको लगता है कि यार वाओ कैसी गाड़ी है। सो उससे इंस्पायर होकर कंपनी ने गाड़ी डिजाइन करी है, और एक काफी बड़ा जो अगर प्राइस रेंज का गैप था नेक्सोन और हैरियर के बीच में, नेक्सोन आपकी 12 लाख रुपए की है और आपकी जो हैरियर है वो स्टार्ट होती है 18 लाख से। सो उस प्राइस रेंज को कंपनी ने ध्यान में रखते हुए आपके लिए उस गैप को खत्म किया है, और एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आपके लिए कंपनी लेके आ चुकी है विद द मल्टीपल इंजन ऑप्शंस। इस गाड़ी में आपको 3 इंजन देखने के लिए मिलेंगे, 2 इंजन हमारे पेट्रोल हैं, ये हमारा डीजल वेरिएंट। सो डीजल और 2 पेट्रोल, 3 वेरिएंट हमें इस गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल जो स्टाइलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। साइड लुक्स की अगर बात करेंगे तो काफ़ी चंकी व्हील्स हैं, रेयर में बात करें तो कूपे स्टाइल जो काफ़ी ब्रॉड गाड़ी है आपको देखने के लिए मिलेगी। ओवरऑल जो प्रेजेंस है वो एक नंबर है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से दिखाते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे, क्या प्राइसिंग रहेगी, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो लेट्स डू इट। स्टाइलिंग की बात करते हैं, काफ़ी बड़ी यहाँ पे ग्रिल है, आपको वन पीस यहाँ पे DRL देखने के लिए मिलेगा जस्ट लाइक अ हैरियर। यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो टाटा का लोगो है, नीचे आपको पियानो ब्लैक ग्रिल देखेगी। फ्रंट पार्किंग आपको यहाँ पे सेंसर्स मिलेंगे। अगर लाइटिंग की बात करें, फ्रंट एंड रेयर जो आपकी लाइटिंग रहेगी ये टोटली LED है, और यहाँ पे आपको लेवल 2 जो एडास है वो भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। डिज़ाइन के साथ साथ कंपनी ने काफ़ी सारी जो इसके एस्पेक्ट है उन पर काम किया है। जैसे कि सबसे पहले अगर इंजन की बात करें, दिस इज़ द डीजल इंजन, ये प्रोड्यूस करता है 116 हॉर्सपावर, 260 Nm का आपको यहाँ पे टॉर्क देखने के लिए मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में इसमें आपके 2 वेरिएंट आते हैं। सो बेसिक जो आपका वेरिएंट है वो सेम आपका नेक्सोन वाला इंजन रहेगा, टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करेगा अप्रॉक्सीमेटली 118 BHP। और कंपनी ने इसके साथ एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है जो कि ज़्यादा पावरफुल है, और जो उसमें हॉर्स पावर है वो 123 Nm का मिलेगा। स्टाइलिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले आप साइड में देखेंगे जो इसके व्हील्स हैं, 18 इंच के व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे, 215/55 R18, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है। जब कंपनी ने ऑटो एक्सपो में ये गाड़ी दिखाई थी तब भी इसमें काफ़ी चंकी व्हील जो थे वो आपको देखने के लिए मिले थे, और कंपनी ने सेम एज इट इज़ काफ़ी बड़े व्हील दिए हैं। अगर हम सेगमेंट की बात करें उस हिसाब से सबसे बड़े व्हील्स आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइड मिरर जो है ये पियानो ब्लैक मिलेंगे, आपको डोर पे टाटा कर्व की जो बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। डोर्स हैंडल की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर तो है ही है, बट XUV 700 में ये हैंडल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे महिंद्रा में, तो कंपनी ने अब ये इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। पैनारोमिक सनरूफ तो आपको काफ़ी सारी गाड़ियों में मिलती है, शार्क फिन एंटीना भी आजकल कॉमन है, बट यहाँ पे इसका आप स्पॉइलर देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी अपीलिंग है, और एक एरोडाइनमिक को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बनाया है। और दोस्तों जैसा कि ये गाड़ी यंग ऑडियंस के लिए बनी है, अब यंग ऑडियंस को क्या चाहिए होता है कि बहुत अच्छी गाड़ी में पावर हो, गाड़ी स्पोर्टी दिखती हो, जो फीचर्स हैं वो आपके टॉप नॉच होने चाहिए। तो परफॉर्मेंस को कंपनी ने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए
देखिए, एक होता है कि आपके पास पावर ज़्यादा है बट आपके पास कंट्रोल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो कंपनी ने इसमें आपको जो कंट्रोल है वो भी टॉप नॉच प्रोवाइड किया है। फ्रंट के साथ साथ यहाँ पे रेयर व्हील जो डिस्क ब्रेक है वो भी कंपनी ने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करी है, जिससे कि ट्रिपल डिजिट स्पीड पे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो गाड़ी आप चला पाएंगे, भगा पाएंगे। और रेयर स्टाइलिंग की बात करें, जो इसका बेस्ट पार्ट है, अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ, फ्रंट से गाड़ी आ रही होगी तो आपको एक टाइम को लगेगा कि यार टाटा हैरियर तो नहीं आ रही, बट आप जब रेयर से इस गाड़ी को देखोगे, जो इसका करिश्मा है वो रेयर में है। जैसे कि आप रेयर टेल लैम्प देखो यहाँ पे, सो हेयर इज द वन पीस सिंगल टेल लैम्प जो कि एलईडी है। यहाँ पे एक आपको रिवर्स लाइट जो है वो सेंटर में कंपनी ने प्रोवाइड करी है। टाटा का लोगो आ गया, रेयर कैमरा आ गया, कर्व की बैजिंग आ गई यहाँ पे, और उसके नीचे यहाँ कंपनी ने जो रेयर बम्पर है इसमें काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो हमारा पियानो ब्लैक का रखा है। और बेसिक फीचर्स की अगर बात करेंगे तो रेयर सेंसर्स, ऑटो डिमिंग मिरर, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेगमेंट लीडिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ कंपनी ने, आप देखिए जो इसका बूट है, तो ये इलेक्ट्रिक बूट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है इसके सेंसर की, जब भी आप इसे खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो गाड़ियों में आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ता था, कई बार एक दो बार में नहीं खुलता था, और अगर बंदा पब्लिकली कहीं खड़ा है तो बंदे की बेइज्जती भी हो जाती थी। क्या चीज़ें हैं जो बाकी सेगमेंट से इसे अलग बनाती हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा पार्ट है यहाँ पे बूट स्पेस का। तो 500 लीटर्स का दोस्तों यहाँ पे बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों मैं बैठा हूँ अभी बूट स्पेस में, बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जिसमें मैं ऐसे ट्राई करता हूँ बैठने की। तो 500 लीटर का बूट स्पेस है आपके, बड़े बड़े अगर चार बैग की भी बात करोगे बहुत आराम से आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रे कंपनी ने प्रोवाइड करी है, आप ट्रेवल कर रहे हो, कोई भी हल्का सामान है, छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की हैं, इसके ऊपर आप रख सकते हो। फीचर्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको लैंप्स प्रोवाइड करे हैं, दोनों साइड आपको हुक्स देखने के लिए मिलेंगी, ये दोनों साइड हुक्स आ गई आपकी। और उसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दोनों साइड प्रोवाइड करा है, ये इसके कवर्स हैं, इनको आप ऐसे निकाल सकते हो और लगा सकते हो, तो बहुत इजी वे में ये निकल जाएंगे और लग जाएंगे। अगर नीचे यहाँ पे बात करते हैं तो आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलता है, ये आपकी टूल किट काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने पैक की है। जो आपका स्पेयर व्हील है ये आपका स्टील व्हील रहेगा, साइज़ आपका सेम है 215/55R18। एज दिस इज़ अ टॉप वेरिएंट, तो इस टॉप वेरिएंट में जो म्यूजिक सिस्टम है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, वो JBL की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम इसकी बैजिंग उतार रहे हैं, तो यहाँ पे JBL आप देख सकते हो, ये सब वूफर है हमारा। हमारा टोटल 9 स्पीकर्स सिस्टम रहेगा, ये चार आपके स्पीकर रहेंगे, चार आपके ट्विटर्स रहेंगे, और एक आपका आएगा रेयर में ये JBL का सब वूफर। सो दैट्स अबाउट द बूट स्पेस। और अगर इसे हमें बंद करना है तो यहाँ पे इसका हैंडल भी है, हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं एज़ पर अवर हाइट, तो यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए यहीं पे खुलेगा। अगर इसे बंद करना है तो यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक से बंद होगा। सो जिन भी लोगों ने AMG नहीं देखी, काफ़ी बड़ी एक जाइंट साइज़ की मर्सिडीज़ की SUV है, काफ़ी स्पोर्टी है परफॉर्मेंस वाइज भी, सो उसको आप देखिए और उसके बाद इस गाड़ी को कंपेयर करेंगे, तो एक बार को अगर तेज़ निकल गई तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कर्व गई है या आपकी मर्सिडीज़ गई है। सो जो भी हमारा कस्टमर है जिसका 15 लाख से 20 लाख का एक बजट है, जिसको एक फैमिली कार चाहिए जिसमें स्पेस भी हो, स्टाइलिंग भी हो, आपके पास इंजन ऑप्शंस भी हो, क्योंकि अब जैसा जैसे इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म चेंज हो रही हैं तो हमारे पास काफ़ी कम गाड़ियां बची है जिसमें हमारे पास डीजल इंजन आते हैं। एक हमारे पास Hyundai क्रेटा है, और अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो इस गाड़ी का आ चुका है। होंडा में हमारे पास कोई भी डीजल इंजन नहीं है, मारुति में कोई भी डीजल इंजन नहीं है, और टोयोटा में भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और जिन गाड़ियों में डीजल इंजन है वो काफ़ी उनका जो प्राइस है वो अपर सेगमेंट में चला जाता है। सो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शंस कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। लोगों को बहुत ज़्यादा जो इसकी स्टाइलिंग है, इतनी ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट हो चुकी है कर्व की कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड है इस गाड़ी को चलाने और देखने के लिए। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि अंदर की स्टाइलिंग और कम्फर्ट कैसा है। गाड़ी के अंदर आते हुए सबसे पहले आप डोर को अगर खोलते हैं तो यहाँ पे स्कर्व प्लेट्स आपको कंपनी ने प्रोवाइड करी हैं। इसकी फिनिश भी काफ़ी अच्छी है, बट आई डोंट नो ये कितनी रफ एंड टफ है। तो यहाँ पे टाटा कर्व की आपको बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। रोल्स रॉयस के डोर में अम्ब्रेला फिट हो जाता है, तो छोटा अम्ब्रेला आप यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं। बाकी JBL का मैंने म्यूजिक सिस्टम बताया, तो साइड पैनल्स पे भी, साइड डोर्स पे भी आपको JBL की बैजिंग दिखेगी। फिट एंड फिनिश की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले क्रोम डोर हैंडल्स टॉप मॉडल में, उसके बाद ये सॉफ्ट यहाँ पे टचेस प्रोवाइड करे हैं, मेहरून कलर की यहाँ पे कंपनी ने लेदर का यूज़ किया है। आपके ऑल 4 विंडोज़ के कंट्रोल आ गए, पियानो ब्लैक की यहाँ पे फिनिश आ गई,
अगर आप डोर को खोलते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर कंपनी ने प्रोवाइड करा है ताकि अगर आप रोड पे रुकते हो पीछे से कोई आ रहा है तो उसे पता लगे कि आपका दरवाजा खुला है। सो अभी जल्दी से अंदर का आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स आपको अंदर अवेलेबल है। गाड़ी के अंदर आ गए हैं और शोरूम में इतनी ज्यादा वॉक इन्स है कस्टमर्स की, लोग आके गाड़ी देख रहे हैं और इतनी ज्यादा रनिंग्स की वजह से क्या है कि सब आके फीचर्स को चेक करते हैं बट गाड़ी कोई स्टार्ट नहीं करता। तो अभी बैटरी डाउन हो चुकी है और बहुत ज्यादा ये जो वीडियो है ये हमारी फीचर्स के बारे में नहीं रहेगी, हम बेसिक हर फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको एक कंप्लीट ओवरऑल आइडिया देंगे कि क्या क्या आपको मिलेगा और इस बजट में कौन सी चीज़ बेस्ट है, किस गाड़ी में ये गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए। सो इन सारे फैक्टर्स और फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों बैटरीज की खत्म थी गाड़ी की और अभी टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने अभी इसे स्टार्ट किया है, अभी ये सायरन जो है वो ये आपको डिस्टर्ब करेगा सो इसे थोड़ा इग्नोर करें। अभी गाड़ी के इंटीरियर में हम आ चुके हैं, सबसे पहले फ्लैट बॉटम यहाँ पे आप स्टेयरिंग देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है गाड़ी की तरह, इसे भी कंपनी ने जो है वो कर्व्ड रखा है तो काफ़ी अच्छी मैं कह सकता हूँ इसकी फिट एंड फिनिश है। यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग है तो काफ़ी ज़्यादा लाइट रहेगा ये, आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ गए, राइट साइड में आपके जो है वो एडास के कंट्रोल आएंगे, वॉइस कमांड आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है विद द एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ए पिलर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एयरबैग आ गए, इन्फोटेनमेंट में आपको ये JBL की तरफ से इन्फोटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपके पास टोटल 9 स्पीकर्स रहेंगे, 8 आपके स्पीकर्स आ गए, 4 आपके ट्विटर्स आ गए, 1 आपका सबवूफर आएगा जो कि आपका बूट में आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया है। एक डिसेंट साइज, एक गुड साइज अगर डिस्प्ले की बात करूं तो वो ये है, तो काफी अच्छा साइज है, पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। डैशबोर्ड के ऊपर डिफरेंट फिनिशेज आपको देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे अपर पार्ट आप देखिए ये भी कंपनी ने कर्व्ड रखा है, गाड़ी का जो नाम है उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को कंपनी ने डिजाइन किया है। यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, ये एम्बियंट लाइटिंग आपको यहाँ पे जो पैनोरामिक इसका सनरूफ है इसके साइड में भी कंपनी ने प्रोवाइड करी है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट मैं कह सकता हूँ। सो सेगमेंट की बात हो रही है दोस्तों 15 से 20 लाख रुपए में ये एक बहुत ही जो है खतरनाक ऑप्शन आपके लिए बन चुका है क्योंकि जो भी लोग क्रेटा की तरफ जा रहे थे इस सेगमेंट के इस 15 से 20 लाख रुपए में इतनी स्पोर्टी गाड़ी अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कलर टोन की बात करेंगे यहाँ पे मेहरून फिनिश, ब्लैक और मेहरून का कॉम्बिनेशन है जिसको हाईलाइट किया है यहाँ सिल्वर के साथ। सो यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रिप आपको देखने के लिए मिलेगी, गन मेटल ग्रे कलर का यहाँ पे जो कवरेज है उसको यहाँ लाइंस दी गई हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। एसी वेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे सेंटर में, उसके नीचे आपके एसी कंट्रोल्स आ गए, टोटली टच रहेंगे टॉप मॉडल में। यहाँ पे काफी सारे अदर कंट्रोल्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले हेजार्ड लाइट आ गया, आपका बूट आ गया, गाड़ी को अनलॉक करना है 360 डिग्री, यहाँ पे आप कैमरा देखेंगे 2D व्यू 3D व्यू। सो काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है, सो प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो डिस्प्ले है, जो इसका इंफोटेनमेंट है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। की बात करेंगे, की काफी ज्यादा प्रीमियम है, आपको लगेगा ही नहीं कि यार एक 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी की है, काफी ज्यादा प्रीमियम की है। जब भी आप पकड़ेंगे इसे हाथ में आपको फील होगा कि मैंने यार एक अच्छा डिसीजन लिया है और एक अच्छी गाड़ी को सिलेक्ट किया है। ये डोर्स के ऊपर सॉफ्ट टचेस दी हैं, जब भी आप सीट पे बैठोगे तो बहुत अच्छी जो आपकी आर्म रेस्ट है, जो आपकी आर्म की पोजीशन है बहुत ही अच्छी कमांडिंग यहाँ पे आएगी और काफी ज्यादा आपको कंफर्ट ये प्रोवाइड करती है। गियर बॉक्स की बात करें, इसमें आपको डीजल में 2 गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, पहला गियर बॉक्स है ये मैनुअल गियर बॉक्स में 6 स्पीड ये रहेगा। 1770 इज द एक्सशोरूम प्राइस फॉर द टॉप वेरिएंट ऑफ डीजल मैनुअल। उसके अलावा यहाँ पे आपके सारे चार्जिंग पोर्ट्स आ गए, आपकी जो पार्किंग ब्रेक है ये आपकी इलेक्ट्रिक रहेगी, सेंटर कंसोल आपका जो है ये मिक्स ऑफ बोथ टचेज है, यहाँ पे पियानो और यहाँ पे रगेड टच आपको प्रोवाइड कराए। सो दोस्तों 3 ड्राइविंग मोड देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ही आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे, सिटी ड्राइव में जो आपकी एम्बिएंट लाइट है ये ब्लू हो रही है, आप स्पोर्ट्स में जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स में डालेंगे रेड एम्बिएंट लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। सो उसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड आ गया, सेंटर में आपकी जो है यहाँ पे आर्म रेस्ट आ जाएगी। कंपनी ने इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं है बट इसकी जो फिनिश है, जो इसकी पोजीशन है काफी ज्यादा अच्छी है। फ्रंट की दोनों सीट्स आपकी जो है ये आपको वेंटिलेटेड देखने के लिए मिलेंगी, पैनोरामिक सनरूफ आ गया, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलेगा। सो दैट्स अबाउट द फ्रंट, ये सारी चीजें हैं जो फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। एडास के आपको 12 से 13 फीचर्स है वो इस गाड़ी में कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं, फिट एंड फिनिश काफी ज्यादा अच्छी है। अभी मैं जल्दी से आपको रेयर लेग रूम है और रेयर स्पेस है वो आपको दिखाता हूँ कि रेयर में आपको क्या क्या जो है कैसा स्पेस देखने के लिए मिलता है और क्या फीचर्स आपको कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं। 510 इज माई हाइट फॉर योर रेफरेंस और सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, अभी मैं आ गया हूँ रेयर सीट पे। सो सबसे पहले मैं जो पॉइंट मैंने नोटिस किया है, अंडर थाई सपोर्ट इसकी काफी अच्छी है,
लेदर की क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेदर क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेंटर में आपका ट्विन कप होल्डर्स के साथ यहाँ पे आर्मरेस्ट कंपनी ने प्रोवाइड करा है, जो आपकी साइड में जो लाइट्स हैं ये LED रहेंगी। यहाँ पे आपका हैंडल आ गया, डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश है, ये कंटिन्यू हो रही है रेयर की तरफ। रेयर AC वेंट्स आ गए विद द चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे टाइप सी और नॉर्मल चार्जिंग दोनों कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। सेफ्टी की आपको पता है दोस्तों कि टाटा ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है, जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है, ओवरऑल मेटल क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स और कंपटीशन। इंटीरियर की बात हो रही है तो यहाँ पे 6 एयरबैग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरफ से जो गाड़ी है वो फुली पैक्ड है, फुली सेफ है गाड़ी। सो आप आंखें बंद करके गाड़ी को ले सकते हैं। ग्लोबल NCAP रेटिंग में टाटा की सारी कार्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, 4+ रेटिंग है सारी गाड़ियों की। सो सेफ्टी को आप दिमाग से निकाल दीजिए और आंखें बंद करके कोई भी गाड़ी आप ले रहे हैं तो सेफ्टी को बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सीट्स आपकी 60-40 जो हैं ये स्प्लिट हो सकती हैं, बाकी आपके यहाँ पे दो हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो डिसेंट इनफ स्पेस है, अगर आप फैमिली कार के हिसाब से देखेंगे तो स्पेस की आपको बिल्कुल कमी नहीं लगेगी, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया कि 1770 है, 17,70,000 रुपया वो आपका रहेगा मैनुअल के लिए, 18,99,000 1899 इज़ द एक्स्ट्रा रूम प्राइस फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट। सो दैट्स अबाउट इट, मेरे हिसाब से अंडर 20 लाख ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन चुका है। सो आई हाईली रिकमेंड टाटा कर्व, आप ले सकते हैं आंखें बंद करके। अभी तक विदाउट टेस्ट ड्राइव मैं कुछ नहीं बता सकता कि परफॉर्मेंस कैसी है, बट जो फर्स्ट इंप्रेशंस, फिट एंड फिनिश, ओवरऑल जो फील है, जो प्रेजेंस है गाड़ी की, वो एक नंबर है। सो दोस्तों टाटा ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है और काफ़ी अच्छी ये गाड़ी लगी प्राइस के हिसाब से, और मैं रिकमेंड करूँगा जिन भी लोगों का मूड बना हुआ है गाड़ी लेने का, अंडर 20 लाख जो भी एक गाड़ी देख रहे हैं वो कंपटीशन की गाड़ियाँ चलाएँ और उसके बाद इस गाड़ी में आके बैठें। और ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा, सो आप जल्दी से गाड़ी को बुक करें और जल्दी से गाड़ी आप ले लें ताकि प्राइस बढ़ने से पहले गाड़ी आप खरीद चुके हों। So that's about it. We will see you in the next one. Till then, keep watching Born to Perform. Bye bye and take care. We will see you in the next one. और हमें comment करके बताएं कि next आप किस गाड़ी के ऊपर जो है वो video देखना चाहते हैं। Bye bye.